प्राची जी, मैंने तीनों लोगों को सुना और मैंने बीच में बोला नहीं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि जब तक मैं बोलूंगा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए, ये जो जिहाद है केवल भारत में नहीं है। आप ये देखिए कि तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, उज्बेकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। मैं आपको 55 देशों का नाम अभी गिना सकता हूं जहां बहुत बुरी तरीके से मजहबी उन्माद जिहाद फैला हुआ है, गला काटा जा रहा है। वहां पे हिंदू है भी नहीं। मैंने जिन देशों का नाम लिया वहां हिंदू पाकिस्तान में 1% बचा है, बांग्लादेश में 7% बचा है, बाकी देशों में हिंदू नहीं है। फिर वहां पे गला क्यों काटा जा रहा है? वहां पे एक फिरका दूसरे फिरके का गला काट रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कौन काट रहा है। अब आता हूं इसका समाधान। बड़ी सीधी सी बात है, ये जो कानून होता है ना, ये दवा की तरीके काम करता है। जैसे दवा घटिया होती है तो बीमारी बढ़ती है, दवा अच्छी होती है तो बीमारी घटती है। ऐसे कानून अच्छा होता है, नियम अच्छा होता है, व्यवस्था अच्छी होती है तो अराजकता कम होता है, अपराध खत्म होता है, आपका मजहबी उन्माद खत्म होता है। क्या कारण है कि जिस तरीके की भारत में हत्याएं हो रही है, ऐसी हत्या कभी अमेरिका में बहुत नहीं होती है, चाइना में क्यों नहीं होती है, फ्रांस में केवल एक हुई, उसके बाद उन्होंने 5 कानून बदल दिया। आपके सिंगापुर में ऐसी हत्या क्यों नहीं होती है? वहां भी हर फिरके के लोग रहते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं, सठे साठ्यम समाचरित, जैसा कठोर दंड होगा उसी तरीके से मजहबी उन्माद कम होगा। अगर कमलेश तिवारी के हत्यारों को फांसी हो गई होती सरेआम एक साल के अंदर कमलेश तिवारी की हत्या के बाद, तो शायद उसके बाद रिंकू शर्मा की नहीं होती, अंकित शर्मा की नहीं होती, उस दिलवर नेगी की नहीं होती, राम लिंगम की नहीं होती और ये कन्हैया लाल की नहीं होती। ऐसे करीब 150 हत्याएं हो चुकी है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, कानून का खौफ जरूरी है और कानून के खौफ के साथ साथ वो शिक्षा जो मजहबी उन्माद फैला रही है, बच्चे के मन में पूरी तरीके से जहर खोल रही है कि जो इस्लाम को न माने वो काफिर, और जो काफिर है वो दंड का अधिकारी है, उसका मर्डर कर सकते हो। बड़ी सीधी सी बात है, कृष्ण भगवान का मजाक उड़ाया गया, किसी की हत्या नहीं हुई। राम का कितनी बार मजाक उड़ाया हुआ, किसी की हत्या नहीं हुई। यही आपके दिल्ली के जेनियों में माँ काली का मजाक उड़ाया गया, उनको कैसे कैसे उनके पेंटिंग बनाई, किसी की हत्या नहीं हुई। भगवान शिव के शिवलिंग को फवारा कहा गया, किसी की हत्या नहीं हुई। तो आखिर भगवान इतने देवी देवता है हिंदुओं के, मजाक उड़ाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उसमें कमेंट करते हैं और चुटकुले बनाते हैं, कॉमेडी शो करते हैं, इवन फिल्म बना जाती है, फिल्म में भगवान शंकर की मजाक उड़ाया जाता है, किसी की हत्या हुई नहीं हुई। और दूसरी तरफ फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती, सीरियल बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती, और जो बातें किताब में लिखी हुई अगर उसको कोई कोट कर देता है तो हत्या शुरू हो जाती है। धार्मिक उन्माद की आप बात करें, प्राची जी, मैंने तीनों लोगों को सुना और मैंने बीच में बोला नहीं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि जब तक मैं बोलूंगा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखिए, ये जो जिहाद है केवल भारत में नहीं है। आप ये देखिए कि तुर्की अशांत है, यमन अशांत है।